सिंचाई, पानी और बिजली कटौती के साथ साथ लंपी जैसी समस्या से परेशान किसानों के लिए लंबे समय के बाद एक सुखद उम्मीद की किरण नजर आ रही है। प्रदेश भर में इस बार मानसून की अच्छी बारिश होने की वजह से सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में किसानों को मूंग की बंपर पैदावार होने की उम्मीद है और मूंग की बिजाई भी पिछले साल की बदौलत दोगुनी हुई है। लेकिन अब किसानों के सामने इस मूंग की फसल के अच्छे दाम मिलने की चिंता सताने लगी है। ऐसे में किसानों के द्वारा खाजूवाला में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद केंद्र शुरू करने की मांग की जा रही है। इस बार मॉनसून की अच्छी बारिश होने से किसानों के खेतों में मूंग की फसल लहरा रही है। सिंचित इलाके में किसानों ने खरीफ सीजन की फसलों की बुआई में पूरी ताकत झोंकी है। ऐसे में वह सीजन में बंपर पैदावार होने की उम्मीदों के साथ किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार खाजूवाला में मूंग फसल की बुआई दोगुनी हुई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में चारों ओर हरियाली की चादर चढ़ी हुई है और अभी आगे भी मौसम अनुकूल रहा तो बंपर पैदावार होने के अनुमान है। ऐसे में किसान सुरेंद्र बिस्नोई और जगराम बताते हैं कि बारिश अच्छी होने और मौसम अनुकूल रहने की वजह से इस बार अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। लेकिन खाजूवाला के व्यापारियों और किसानों के अनुसार मूंग का बाजार भाव 5,800 रुपए से 6,300 रुपए तक है, जबकि समर्थन मूल्य 7,275 रुपए प्रति क्विंटल है। इसलिए किसानों की मांग के अनुसार खाजूवाला में समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र खोला जाना चाहिए। अच्छी बरसात हुई है, अब की बार अच्छी होने की अब उम्मीदवारी भी है और आप जो मूंग की फसल है वो 15-10 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। बाद में इसको समर्थन मूल्य है जो इसका केंद्र जल्दी से जल्दी इनका भुगतान करावे और हमारे को फायदा मिले। जो आज 5,000 बिक रही है, जो 7,275 रुपये का भाव है सरकार का, 20 रुपये बिके तो किसानों को बहुत फायदा होगा। वहीं कार्यवाहक सहायक कृषि अधिकारी पृथ्वीराज बताते हैं कि 2021 में खाजूवाला में 1,480 और बेरियावाली में 1,660 हेक्टेयर समेत 3,140 हेक्टेयर में मूंग का उत्पादन हुआ था। इस बार 2022 में खाजूवाला में 3,420 हेक्टेयर और बेरियावाली में 4,020 हेक्टेयर समेत 7,440 हेक्टेयर रकबे में बुआई हुई है। हालांकि खाजूवाला में 2021 में 3,440 हेक्टेयर तो इस बार 2022 में रकबा बढ़कर 7,440 हो गया। ऐसे में इस बार खाजूवाला में पिछले साल की तुलना में 4,300 से अधिक हेक्टेयर ज्यादा मूंग की बुआई हुई है। वर्तमान में 2022 में खाजूवाला में 3,420 हेक्टेयर और बेरियावाली में 4,020 हेक्टेयर यानी कुल मिला के 7,440 हेक्टेयर में अनुमानित रकबा में मूंग की बीजांत हुई है और फसल की पैदावार भी ठीक है। रोग कीटों का भी प्रकोप अब की बार कम हुआ है। पैदावार को देखते हुए खरीद केंद्र का भी, जैसे आपने पूछा कि खरीद केंद्र का और टोकन का भी, तो जाहिर सी बात है इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। बहरहाल मानसून ने इस बार किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है और किसानों ने भी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जाहिर है फल अच्छा मिलेगा। त्रिभुवन रंगा, जी मीडिया, बीकानेर।